हुनर का विकास तभी होता है जब उसे निखरने का मौका मिलता है। इसी को समझते हुए सरकार ने नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम नैप्स को थोड़ा सा बदला है। सरकार ने 2016 में अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 में व्यापक सुधार किए थे, जिससे अब इंडस्ट्री युवाओं को नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत युवाओं को अधिक हुनरमंद बनाने में दिलचस्पी ले रही है। इससे अलग अलग इंडस्ट्रीज में युवा अधिक हुनरमंद बनकर निकल रहे हैं। अप्रेंटिसशिप एक बार करने के बाद में उसको आगे एम्प्लॉयमेंट में कोई दिक्कत नहीं आए, तो एटलीस्ट जो इंडस्ट्री को स्किल चाहिए वो अप्रेंटिसिस के बहाने से उसको अपग्रेड करके और आगे इंडस्ट्री में अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको रेडी कर सकते हैं, और रेडी करने के बाद में फर्दर जो भी आगे जो कंपनी की रिक्वायरमेंट हो उस बेसिस पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। नैप्स 2016 में जब से आया है तो मेरे हिसाब से जो इसकी स्ट्रेंथ है, जो गवर्नमेंट का टारगेट था 5 लाख है वो पर ईयर के हिसाब से उसको बढ़ाना था, और 2020 तक उसको 50 लाख का लेके जाना था। तो उसमें गवर्नमेंट ने काफी प्रोग्रेस की है और कई सारे जैसे वर्कशॉप भी लगाया, लोगों में अवेयरनेस भी फैलाया। नैप्स की पहल से अब इंडस्ट्री और युवा दोनों को फायदा हो रहा है। मुझे पता चला कि मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए कंपनी आई है नैप्स के थ्रू, वहाँ पे मेरा एंट्रेंस टेस्ट हुआ, उसके बाद मेरे को कॉल आया कि मेरा सिलेक्शन हो गया, फिर मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, फिर बाद में मेरा लिस्ट में नाम था, जिससे मेरे को पता चल गया कि हाँ मेरा फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड। कौशल की लहर हर राज्य और हर शहर में पहुँचे, इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को भी विशेष प्रोत्साहन राशि दे रही है। हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल आपकी बात को। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं।